नवरात्रि का पावन पर्व कल 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है और 25 अक्टूबर तक ये चलेगा। हम सनातन धर्मावलंबी नवरात्रि पर सभी शक्ति उपासना करते हैं और शक्ति का अर्जन करने का प्रयास करते हैं। सामान्यतः समाज में जो देख रहे हम लोग वो दिखाई देता है, आज इंसान अभिमान के वशीभूत होने के कारण से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में लगा हुआ है, जबकि हमारा सनातन धर्म कहता है कि शक्ति प्रदर्शन की चीज नहीं है, शक्ति का अर्जन करो, शक्ति का दर्शन करो, पर प्रदर्शन मत करो। शक्ति को अर्जन करोगे, शक्ति का दर्शन करोगे, तो ये जो शक्ति है, ईश्वरी शक्ति जो है, जिसको भगवान कह रहे हैं आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरह मोरी यह माया, जो आदि शक्ति है भगवान की, उद्भव स्थित संहार कारणीम क्लेश हारणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम नतोहम राम बल्लभम, ये जो परम शक्ति है भगवान की, जो इस संसार का सृजन पालन और संहार तीनों करती है, इस शक्ति का अर्जन करना है। क्योंकि ये शक्ति सिर्फ संसार का सृजन पालन संहार ही नहीं करती है, ये क्लेश हारणीम, ये जीव अगर इस शक्ति की आराधना उपासना करता है, इसका अर्जन करता है, तो ये शक्ति उसके समस्त क्लेशों को खत्म कर देती है। जो कष्ट, जो क्लेश, जो दुख, जो चिंता, जो परेशानियां हम धन का अर्जन करके नहीं मिटा पा रहे हैं, तरह तरह से हम धन का अर्जन कर रहे हैं पर फिर भी इन संकटों से हम छूट नहीं पा रहे हैं, पर अगर धन के अर्जन करने की जगह अगर हम इस आदि शक्ति का अर्जन कर सकें, तो निश्चित रूप से हम इन कष्टों से, इन क्लेशों से छूट सकते हैं। इसलिए हमारे सनातन धर्म में दो बार वर्ष में, छह छह महीने के अंतर से दो बार वर्ष में शक्ति उपासना के लिए हमको प्रेरित किया जाता है। एक तो इधर ये अश्विनी मास में और उधर चैत्र के मास में, कि तुम भैया जीवन तुम्हारा, तुम समाज में संसार में रहते हो, कहीं ना कहीं शक्ति को का प्रदर्शन तो नहीं करना चाहिए, पर शक्ति खर्च तो होती ही है संसार के व्यवहार में, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व के लिए जब हम कुछ कार्य करते हैं, सेवा करते हैं, तो शक्ति कहीं ना कहीं शक्ति का ह्रास तो होता ही है। इसलिए हर छह महीने में इस शक्ति का अर्जन कर लेना चाहिए। ये शक्ति जिसके पास भी रहती है, जो शक्ति संपन्न रहता है, वो इस मायाकृत समस्त कष्टों से, क्लेशों से छूटा रहता है। और ये शक्ति क्या करती है, वो क्लेश हारिणी सर्व श्रेयस करीम, जो हमारे श्रेय के मार्ग हैं, कल्याण के मार्ग हैं, हमारे आनंद के द्वार हैं, हमारे कुशल क्षेम के जो द्वार हैं, हमारे मंगल करने वाले जो मार्ग हैं, वो सारे मार्ग ये शक्ति की उपासना करने से, इस शक्ति की कृपा से खुल जाते हैं महाराज। सर्व श्रेयस करीम, श्रेय का मतलब होता है कल्याण मार्गी। दो मार्ग हैं हमारे धर्म में, प्रेम मार्ग और श्रेय मार्ग। प्रेम मार्ग माने जो मनमानी करते हैं आदमी, वो प्रेम मार्ग है, इस पर चलने से अधिकांश लोग दुखी ही होते हैं। पर एक श्रेय का मार्ग है, जो शक्ति के माध्यम से हम इस मार्ग पर चल सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस शक्ति को बार बार प्रणाम किया गया है, किस बात को लेकर के, बोले शक्ति रूपेण संस्था, हे जगदम्बा तुम ही तो शक्ति हो, जो हमारे शरीर में, हमारे रोम रोम में व्याप रही हो, और सिर्फ हमारे ही नहीं, सारे प्रकृति के एक एक कण कण में तुम व्याप रही हो, और तुम्हारी सामर्थ्य शक्ति से ही संसार सक्रिय है, क्रिया करता है। पर हम आपकी इस रूप में उपासना कर रहे हैं कि आप हमारे ऊपर दयालु हो, कृपालु हो, और हमारे अंदर विध्वंसक शक्ति का सृजन न हो, विनाशक शक्ति का सृजन न हो, जिस शक्ति से ये
मांस मदिरा का पान करने वाले ये आतंकवादी, नक्सलवादी और इस तरह के जितने ये विस्फोटक संगठन हैं जो समाज को नष्ट भ्रष्ट करने में लगे हुए हैं, हमें वह वैसी शक्ति नहीं चाहिए। हम वो शक्ति चाहते हैं जो सीताम न तो हम राम बल्लवाम, जो राम के साथ रह करके राम के काम करती है, श्याम के साथ रह करके श्याम के काम करती है, सीता बन के राम के साथ रहती है, राधा बन के श्याम के साथ रहती है, गौरी बन के शंकर के साथ रहती है, लक्ष्मी बन के नारायण के साथ रहती है, सावित्री बन के ब्रह्मा के साथ रहती है। वही शक्ति हमारे साथ अनुकूल होकर के रहे, कृपालु होकर के रहे, दयालु होकर के रहे, जिसके कारण से जैसे इन सभी विशिष्ट आत्माओं ने, इन सभी भगवती आत्माओं ने स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए कल्याण का जो कार्य किया है, कल्याणकारी जो चरित्र किए हैं, सेवाएं की हैं, कर्म किए हैं इस संसार में, उसी तरह का कुछ इस जीवन में हमारे द्वारा भी हो सके, इस भाव से हमें इस नवरात्रि में या हर नवरात्रि में शक्ति की उपासना करना चाहिए। समझदार लोग इसी भाव से शक्ति उपासना करते हैं और शक्ति का अर्जन आप सभी कीजिएगा। ऐसी शुभकामना, मंगल कामना इस नवरात्रि के पावन पर्व पर मैं सारी मानव जाति के लिए करता हूँ और साथ में एक प्रार्थना भी करता हूँ, प्रदर्शन बिल्कुल मत करना। शक्ति प्रदर्शन के लिए नहीं है, शक्ति का अर्जन करो, शक्ति का दर्शन करो और शक्ति संपन्न होकर के हरि का दर्शन करो, लोक परलोक में अपने कल्याण के मार्ग को स्थापित करो। इस भाव से हमें इस नवरात्रि के पावन पर्व पर शक्ति उपासना करनी है। आप सभी को पुनः नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद।